आज हम जानते हैं मूली के विषय में। इस मूली में थोड़े दिन बाद आप देखेंगे मूली के ऊपर जो है फलियां आनी शुरू होती है, जिसको सिंगरा बोलते हैं। सिंगरे की फली भी पूरे देश में खाई जाती है। इसको टुकड़े कर करके इसको आप छाया में सुखाइए, सुखा करके इसको आप इसको जला दीजिए, खुले में जला दें। खुले में जलाने के बाद में जो इसकी राख है, राख को पानी में भिगो दें आप। मूली के राख को पानी में भिगो करके जब 5-7 घंटा भीग जाए, धीरे धीरे हिला करके राख को बाहर निकालिए, और जो नीचे बैठ जाए जो गाढ़ा सा भाग, उसको बोलते हैं मूली क्षार। तो उस क्षार को रख लें। वो क्षार आपके श्वास रोगों के लिए, आपकी खांसी और बलगम के लिए। हालांकि ये मूली का क्षार नहीं, मूली सिर्फ यदि आप राख बना करके भी रखते हैं, जैसे कि आपकी मूली की जो राख है वो यदि 1/2 किलो है तो 100 ग्राम पीपली को पीस करके उसमें मिला दें, फिर आप उसको शहद मिला के चाटते हैं तो आप देखेंगे खांसी के लिए, कफ के लिए, श्वास रोगों के लिए मूली कितनी अमृत है। और छोटा बच्चा है तो 100 mg या 200 mg के लगभग, बड़ा है तो 1/2 ग्राम के लगभग यदि शहद मिला कर चटा दें तो यह अत्यंत लाभकारी है आपके श्वास रोगों के लिए। ये बिल्कुल सरल उपाय है क्षार बनाने की जो विधि है। सारी मूली को काट के डाल दें, सूखने बाद जला करके उस राख को पानी में डाल करके 8-10 गुना पानी में डाल करके रखें। 4-5 घंटे के बाद उसको धीरे धीरे हिला करके नितार लें। नीचे जो गाढ़ा सा भाग बचेगा वो बिल्कुल सफ़ेद, थोड़ा सा मटमैले रंग का होगा, वो क्षार यदि आप उसमें से, मुश्किल से छोटा बच्चा है तो 100 mg या 200 mg के लगभग, बड़ा है तो 1/2 ग्राम के लगभग यदि शहद मिला कर चटा दें तो यह अत्यंत लाभकारी है आपके श्वास रोगों के लिए।